कमिश्नरों मेहू साथ होना आपके साथ। बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भले ही बीजेपी के विपक्ष में खड़े हों, लेकिन वो बीजेपी के जबड़ा फैन भी है। जी हाँ, आरजेडी और बीजेपी सियासत में हमेशा एक दूसरे के आमने सामने रही है, टक्कर का सिलसिला रहा है और दोनों को सत्ता का मोह है। लेकिन तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री से बेहद प्रभावित है, उन्हें फॉलो करते हैं और इतना ही नहीं वो उनके बहुत बड़े फैन भी हैं, जिनको तेजस्वी यादव ने चिट्ठी लिखकर अपने बिहार की समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि जल्द से जल्द इसका निवारण होना चाहिए। आखिरकार अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो कौन से मंत्री हैं जिनको लेकर तेजस्वी यादव बेहद इंस्पायर्ड है और उनसे बेहद मोटिवेटेड है। दरअसल उप मुख्यमंत्री और एवं पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को बिहार के निर्माणाधीन एनएच की उन परियोजनाओं के बारे में लिखा है जिनके निर्माण की गति काफी धीमी है। उप मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से अनुरोध किया है कि वे जिन सड़क परियोजनाओं का वो जिक्र कर रही हैं उनके निर्माण की गति को तेज करने का निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया जाए। अपने सत्र में उन्होंने सबसे पहले महेश कुंट सहरसा मधेपुरा पूर्णिया पथ यानी कि एनएच 107 के बारे में लिखा है, कहा है कि सड़क पर 2 लेन में विकसित किए जाने का काम 2017 से चल रहा है। ये सड़क 3 जिला मुख्यालयों को जोड़ती है। 2 पैकेज में सड़क का निर्माण कार्य काफी धीमा है, रखरखाव भी काफी ढंग से नहीं हो पा रहा। केंद्र मंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर पथ यानी कि एनएच 77 का निर्माण कार्य 2016 से एनएचआईए द्वारा कराया जा रहा है, परंतु भू अर्जन की कोई समस्या नहीं होने तथा प्रशासनिक सहयोग के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य 1 वर्ष से बंद है। वर्ष 2025 में निर्माण एजेंसी अपनी सभी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएगी और संपूर्ण भुगतान के बाद भी निर्माण कार्य अधूरा रह जाएगा। बीजेपी के बड़े नेता के फैन प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव है और इससे ही बात बनती हुई अब नजर भी आ रही है, जहां तेजस्वी यादव ने अब बड़ी मांग रख दी है। देखने वाली बात तो यह है कि क्या बीजेपी तेजस्वी यादव के इस मांग को स्वीकार कर उसे पूरा करती है और सीएम नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगता है या फिर ऐसा नहीं होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही है। नई खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन में।